नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैजिकल अपराजिता में। तो जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के टाइटल को पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि आज मैं अफर्मेशन के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। अफर्मेशन आखिर क्या है और इसका यूज़ हम कितनी बार कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कितनी बार करना, इसके यूज़ को कितनी बार करना सही है हमारे लिए, तो चलिए हम लोग इस विषय पर चर्चा भी करते हैं। तो अफर्मेशन का मतलब होता है कि आपकी जो भी विश है, जो आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप एक पॉजिटिव लाइन बना लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव और प्रेजेंट लाइन। जैसे कि आपको मान लीजिए कि घर चाहिए, तो आपको एक पॉजिटिव लाइन बना लेनी है कि मुझे बहुत सुंदर घर मिल गया है और मैं इसमें बहुत अच्छे से रह रही हूँ। मतलब कोई भी लाइन हो, वो एक ही लाइन का होना चाहिए, एक लाइन का हो, मीन्स एक ही जगह फुल स्टॉप हो, या इंग्लिश में बोल रही हैं तो एक जगह फुल स्टॉप होना चाहिए और हिंदी में बोल रही हैं तो एक ही लाइन में पूर्ण विराम होना चाहिए, ठीक है। आप बीच में और वर्ड लगा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दो तीन चार लाइन लगाइए, दो लाइन भी आप कर सकती हैं, लेकिन दो से ज़्यादा लाइन ना करें तो अच्छा है, और एक लाइन अगर हो जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को घर चाहिए तो एक लाइन बना लीजिए, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मैं इसमें बहुत अच्छे से रह रही हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा घर है कॉमा, मैं इसमें बहुत सुख से रह रही हूँ, ठीक है। इस लाइन को आप फिक्स कर लीजिए। और अफर्मेशन देने का सबसे अच्छा जो वक्त होता है वो होता है सुबह का टाइम, जब हम आँख खोलते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, तो उस टाइम ऐसा नहीं कि आप उठिए, फ्रेश होइए, पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद आप बोलिए, नहीं, आप बेड पे हैं, आँख खोले हैं और आप लेटे लेटे ही बोल दीजिए, हो सके तो आप बेड पे बैठ के भी बोल सकती हैं। और इस चीज़ को जितना ज़्यादा बार आप दोहरा सके उतना अच्छा है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा नहीं बोल पा रही हैं, तो आप फिक्स कर लें कि मुझे ये चीज़ एक बार बोलना है या 11 बार कम से कम बोलना है। अगर आप 11 बार बोल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, 11 बार, 5 बार, 108 बार, इस तरह से दोहराना है इस चीज़ को, ठीक है। और अफर्मेशन जो होता है वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आप किसी भी चीज़ के लिए अफर्म कर सकती हैं। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि एकदम विश के लिए ही आप करें, आपको जो चाहिए उसी के लिए करें, आपके पास जो चीज़ है उसके लिए तो आप थैंकफुल हो ही रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आप बोल सकती हैं कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये तो बोल ही सकती हैं। और ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन में मतलब ये है कि ग्रेटिट्यूड जो होता है वो है कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो रही हैं, आपका जो विश है उसे भी आप उसमें ऐड कर सकती हैं। जैसे ग्रेटफुल हो रही हैं किसी चीज़ के लिए, तो पांच चीज़ के लिए ग्रेटफुल हम हो गए और उसके बाद हम उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे जो हमें चाहिए। और एफर्मेशन जो है वो भी लगभग वही चीज़ है, लेकिन एफर्मेशन का मतलब होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए इसमें उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है जो आपके पास नहीं है, ठीक है। थैंकफुल आप नहीं भी हो रही हैं तो उस चीज़ को आप दोहराइए, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को आप दोहराइए, ठीक है। और कर्म तो करते ही रहना है, जैसे किसी विद्यार्थी को एग्ज़ाम में पास होना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अफर्म ही करते रह जाएं तो वो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई करते करते करने के साथ आप सुबह शाम अफर्म कीजिए कि हाँ मैं, मुझे परीक्षा में इतने नंबर आ जाएं, ठीक है, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो चीज़ आपके साथ होगा। अगर कोई बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसके लिए भी आप अफर्म कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होगा कि बीमारियों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब तक बीमार व्यक्ति खुद नहीं बोलेंगे तब तक दूसरे के द्वारा बोले गए शब्दों से हाँ असर तो होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे असर होगा। लेकिन अगर इसे हर लोग अपने लिए करते हैं, हर आदमी अपने लिए अगर करना शुरू कर देता है, क्योंकि सभी को लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए ही हमेशा, ठीक है, कभी भी मानव जीवन जो है वो कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको कभी न कभी एक चीज़, अगर एक इच्छा की पूर्ति हो गई है तो
दूसरी इच्छा की पूर्ति उसे करनी रहती है हमेशा, उसे लगते रहता है कि हाँ मुझे ये चीज भी मिले, अगर घर मिल गया है तो गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल गई है तो अच्छा बिजनेस बिजनेस जो है ग्रो करे, नौकरी रहे पास में, पैसे अगर जितना भी सैलरी है तो सोचते हैं कि इससे भी ज़्यादा हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसलिए आप एक अफर्मेशन को पहले दोहराते रहें सुबह, और सबसे पहले तो है कि आँख खुलते के साथ सुबह में आप दोहरा लें, ठीक है, 11 बार 21 बार जितना आप कर सकती हैं करें। और उसके बाद आप सोने के पहले जब आप फिर बेड पे जाती हैं, अब आपको सोना है, तो उस समय आपके दिमाग में बहुत तरह का विचार चलते रहता है, ठीक है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हैं तो वो कर लें लेटे लेटे, और उसके बाद आप अफर्म करें, और उम्मीद करें कि अफर्म करते 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 अगर आपको नींद आ जाए तो वो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जो भी अफर्मेशन होता है वो हमेशा याद रखिए पॉजिटिव रहेगा और प्रेजेंट टेंस में रहेगा। उसका अफर्मेशन का क्या मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भूतकाल और भविष्यकाल से कोई संबंध नहीं है, जो वर्तमान है आप उसमें जीना सीखिए, क्योंकि जो पास्ट है वो भी कभी प्रेजेंट था जो कि बीत गया, और जो अभी प्रेजेंट है वो तो प्रेजेंट है ही, और जो आने वाला कल है यानी फ्यूचर, तो वो भी एक समय में प्रेजेंट ही होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को मान के चलिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही माना जाता है, जो प्रेजेंट है, जो अभी है, आज है, ठीक है, अभी का जो वक्त है वो तो प्रेजेंट है ही, और कल जो आने वाला है नेक्स्ट डे वो भी प्रेजेंट ही होगा कल के डेट में, ठीक है। तो इस तरह मान के चलिए, और जो भी अफर्म कर रही है हमेशा पॉजिटिव रह के करना है, हमेशा पॉजिटिव रह के करना है। ऐसा नहीं कि अब आप अफर्म कर रही हैं कि हाँ मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, और मन में सोच रही हैं बाद में थोड़ी देर के बाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं, बोल तो दिए हैं, अफर्म तो कर दिए हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये भावना मन में नहीं लाना। अगर आप नेगेटिविटी अपने मन के अंदर लाती हैं तो फिर कहना मुश्किल है कि ये चीज़ पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा पॉजिटिव रहिए भी और पॉजिटिव बोलिए भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।